हेलो दर्ज, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एमटी कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल 4 आवर चार्ट मैंने लिया, तो 4 आवर चार्ट में क्रूड ऑयल एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लार्ज एक रेंज में चल रहा है क्रूड ऑयल 4 आवर में। तो हम तो इस रेंज में, तो नेक्स्ट टारगेट ऊपर मैं दिखा देता आपको। तो यहाँ पे एक बड़ा वाला रेंज में चल रहा है, जैसे 4 आवर आप देख सकते हैं ये एक रेंज, राइट। तो नेक्स्ट रेंज हमें मिला यहाँ पे, जो ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने कनेक्ट करके जो रेंज निकाला, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो और एक छोटा वाला रेंज भी चल रहा है उसका बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो लोअर पॉइंट कनेक्ट करके एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करके एक रेंज निकाला, तो ये रेंज में चल रहा है। और एक इसका बीच में और एक छोटा एक रेंज में चल रहा है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, शायद याद होगा 5-10 दिन पहले, तो एक छोटा वाला रेंज चल रहा है, तो इसका रेंज में थोड़ा दिन रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक बाय एंट्री मिला अकॉर्डिंग टू जो छोटा वाला रेंज है। तो यहाँ पे भी हमें बाय एक ऑर्डर मिला, तो यहाँ पे अगर बाय जाएंगे तो नेक्स्ट टारगेट ये जो रेंज है, रेंज तक एग्जिट पॉइंट रहेगा। तो इसलिए हमें अगर यहाँ पे एंट्री करना है बाय, तो इसके लिए हमें बाय कॉन्फर्मेशन मिलना चाहिए, जो अलग अलग ट्रेडर्स का अलग अलग एंट्री पॉइंट रहता है। तो जब आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, आपको अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकता है। अगर यहाँ पर एंट्री पॉइंट आपको नहीं मिला, ये एरिया में आपको एंट्री पॉइंट नहीं मिला, तो यहाँ पे एंट्री मत कीजिए, क्योंकि ये मार्केट और यहाँ तक भी आ सकता है, जो ये सपोर्टिंग लाइन है जो रेंज फुल करने के लिए। तो उसका मतलब इसका फॉर्म एक ऐसा रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें पहले एक सपोर्टिंग लाइन, यहाँ पे हमें एंट्री के लिए हमें एंट्री सिग्नल मिलना चाहिए ये एरिया में। तो हम देखेंगे चौथा वाला टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए, राइट। तो अगर हम जाए तो एंट्री करने के लिए यहाँ पे, तो चौथा वाला टाइम फ्रेम जैसे आप देख सकते हैं 15 मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट अभी भी मार्केट नीचे में ही है, जो सपोर्टिंग चौथा वाला जो रेंज है इसका सपोर्टिंग में ही है। तो यहाँ पे एंट्री के लिए मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर लेता हूँ, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ नहीं, ये छोटा लाइक रेड लाइन घूम रहा है साथ साथ में, जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 5 मूविंग एवरेज है। तो इसको अगर मूविंग एवरेज ने अगर क्रॉस ओवर किया, जो ये ब्लू लाइन 20 मूविंग एवरेज को, ये एक्सपोनेंशियल 20, और ये रेड वाला है आपका एक्सपोनेंशियल 5 मूविंग एवरेज, राइट। तो अगर यहाँ पे क्रॉस कर दिया और साथ साथ में एक ही साथ दोनों परसेंटेज आर 50 लेवल को क्रॉस करना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्रॉस, जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ था, राइट, यहाँ पे क्रॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो ऐसे ही क्रॉस होना चाहिए। अगर दोनों क्रॉस हो गया साथ में, तो यहाँ पे हम बाय लेंगे, क्योंकि ये सपोर्टिंग रेंज है छोटा वाला रेंज में, राइट। छोटा वाला जैसे मार्केट ऐसे घूम रहा था, राइट, मार्केट अभी जैसे नीचे में है, ये एरिया में है मार्केट, ये एरिया में है। तो ये एरिया में हमें अगर बाय मिला, तो यहाँ पे बाय मिला, तो यहाँ पे हम बाय जाएंगे, और बाय कॉन्फर्मेशन के लिए एक कॉन्फर्मेशन मैंने लिया मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन होगा परसेंटेज आर 45 पीरियड का -50 को क्रॉस करना चाहिए, तो हम बाय में जाएंगे, राइट। तो SL इसका नीचे रखेंगे, जो हायर पॉइंट लोअर पॉइंट था, और एग्जिट पॉइंट प्रीवियस हायर पॉइंट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 के आसपास आएगा, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।